कि जनता दरबार लगाना, इससे बेहतर है कि जनता के दरबार में विधायक का चाहना। किसानों के लिए तो किसी ने भी बहुत गंभीरता से सोचा नहीं। किसानों के बारे में एक ही कहूँगा कि आज तक जो किसानों के साथ जो भी रवैया रहा हो, चाहे कोई भी सरकार बनी हो, तो शब्द एक शेर में कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, यार अब कहाँ से लाऊँ मैं सर बदल कर। डर लग गया हो लेकिन मेरा कोई, अब उनको डर लग गया तो उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा डराने का उनका कोई इरादा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूँ संतोष कुमार। हमारे साथ हैं मटिहानी के नव निर्वाचित विधायक राजकुमार सर। क्योंकि मटिहानी की हालात सबको मालूम है, सबने देखा है कि एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर कहीं कि मटिहानी का, मैं राज्य या देश की बात नहीं करूँगा, मटिहानी का सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन में लोगों के आशाएं जुड़े होते हैं। मैं सर्वप्रथम जानना चाहूँगा कि उन आशाओं में आपने यहाँ के परिदृश्य को देखा, समझा, एक समय मिला, अब क्या लगता है कि इसे उबारने में आप सक्षम हो पाएंगे जो हालात है मटिहानी की? मेरा ईमानदार प्रयास जारी है और वो जारी रहेगा। कि सतलक मैं सक्षम हो पाऊँगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है और मैं उस सहयोग के बल पर कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मटिहानी के विकास की जो लोगों की जो आशा है मुझसे है, उसको पूर्ति करने में मैं सफल हो पाऊँगा। जो सर्वप्रथम शिक्षा का जो एक भाव होता है, क्योंकि विकास की प्रथम सीढ़ी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, तो शिक्षा केंद्र स्थापित करने की कहीं से कोई सुझाव या सोच? देखिए, शिक्षा केंद्र तो बहुत सारे स्थापित हैं ही प्राइमरी स्तर पर या उच्च विद्यालय के स्तर पर। हाँ, जो एक डिग्री कॉलेज की बात है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस सत्र में। उसके लिए सरकार से हमने सवाल भी तैयार कर लिया है कि मटिहानी में डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की भी स्थापना होनी चाहिए। इन सब क्षेत्रों में मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं विधानसभा में अपने लोगों की आवाज़ बनकर ये सवाल भी उठाने जा रहा हूँ। तो शिक्षा तो बुनियादी चीज़ है, शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक है। जो मटिहानी विधानसभा है लगभग क्षेत्र है उसका R1 रूरल में है, वो लास्ट स्टेज में। उस हिसाब से जो वर्तमान नियोजन प्रणाली के हिसाब से शिक्षा केंद्रों में दुर्व्यवस्था आ गई है, तो हमने सुना है कि आप बहुत सारे स्कूल में जाकर के औचक निरीक्षण शुरू कर दिए हैं, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर पढ़ाई नाम की कोई व्यवस्था है सही ढंग से? देखिए, मैं सच कहा आपने कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मेरा एक प्रयास होता है कि वहाँ के स्कूल का एक निरीक्षण अवश्य हो, जाके वहाँ की समस्याओं से अवगत हों। अधिकतर जगहों पे या तो शिक्षकों का अभाव है या फिर जो शिक्षण कक्ष होता है उसका अभाव है, बहुत जगह बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो इन सब चीज़ों का निराकरण कैसे होगा, इनका समाधान कैसे होगा, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार मैं कर रहा हूँ केस बाय केस बेसिस पे। जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ पे शिक्षक की आपूर्ति कैसे हो, गुणवत्ता, तभी जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी तो ना संस्कार होगा, ना संस्कार का विकास होगा। मैं प्रयास अपनी ओर से इन सभी क्षेत्रों में कर रहा हूँ। जब आपने इतनी गंभीरता में गए हैं तो मुझे लगता है आशा कर सकता हूँ मैं थोड़ा, आप एक राष्ट्रीय दल से हैं और एकमात्र विधायक हैं बिहार से, तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो आम बजट आया, केंद्रीय बजट था, लेकिन बिहार के लोगों में एक क्षोभ आ गया कि उस बजट में प्रत्यक्ष रूप से बिहार के लिए घोषणा नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि बिहार को कुछ मिला, क्या खोया, क्या पाया बिहार ने? देखिए, ये देश का बजट था और मुझे लगता है कि इस बजट की लगभग सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है, क्योंकि एक दूरगामी सोच को लेकर भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने, इस ओर प्रयास किया गया है, बड़ा ही समग्रता में प्रयास किया गया है। क्षेत्रवार हो सकता है कोई कमी रही हो, लेकिन कमोबेश जितना मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन बजट का नहीं किया, लेकिन उसके जो हाई पॉइंट्स मैंने देखे तो मुझे लगा कि बजट ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बजट के क्रियान्वयन में अब कितना प्रयास होता है, वो किस हद तक सफल होता है, ये तो देखने की बात है।
केंद्र में आप सत्ता में हैं, आपका दल सत्ता में है, लेकिन जो किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा विध्वंसक रूप भी देखा जा रहा है, उसके तौर पर बिहार से भी समर्थन मिल रहा है, आप बिहार में सत्ता में नहीं हैं, आपको क्या लगता है वास्तविक में वहाँ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या बिहार से जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है वो ठीक हो रहा है? मैं आंदोलन की बात नहीं करूँगा, मैं किसानों की बात करूँगा। मेरा मानना है कि किसान के साथ चाहे कोई भी दल हो, उसकी संवेदना जुड़ी हुई है। किसान को कोई भी दल नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता राजनीतिक तौर पर, और लगभग कमोबेश जितने भी राजनीतिक दल हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनकी जड़ें किसान के परिवार में हैं, तो जड़ को कोई भी उखाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ये त्रासदी है हमारे देश की कि किसान हमेशा से निग्लेक्टेड रहे हैं। अभी जो आंदोलन हो रहा है, मेरा मानना है कि सरकार का प्रयास भी किसान को शायद किसान का अहित करने का नहीं होगा, लेकिन सरकार की बात किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको अच्छी तरह से जागरूक नहीं किया जा रहा है, ये कमी रही है। किसानों के लिए तो किसी ने भी बहुत गंभीरता से सोचा नहीं। किसानों के बारे में एक ही कहूँगा कि आज तक जो किसानों के साथ जो भी रवैया रहा हो, चाहे कोई भी सरकार बनी हो, तो शब्द एक शेर में कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, या रब कहाँ से लाऊँ मैं सर बदल बदल कर। तो ये यही त्रासदी है किसानों की। जो भी आ रहे हैं, किसानों को लगता है कि उन्हीं को काटने के लिए आ रहे हैं। तो किसान आहत है, प्रताड़ित है, लेकिन यदि उसके हित की कहीं कोई बात हो रही है तो निश्चित रूप से पहले जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि कोई भी कानून किसानों को लगता है कि उनके हित में नहीं है, तो पहले उनको जागरूक करें आप, फिर वो कानून आप उनके पास लाएं, तो शायद इस आंदोलन का अब तो पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। अब ये किसान आंदोलन रहा नहीं, अब ये एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मतलब साफ है कि मध्यस्थता लोग नहीं चाह रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि तस्वीर के वैसे वर्तमान समय में यूँ कहें कि एडिटिंग के माध्यम से भी कोई किसी को कहीं पर खड़ा कर दे, एक बड़ा वायरल हुआ तस्वीर, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ थे, और इससे यहाँ एक लोगों में अटकलें चलने लगी कि आप JDU में जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें कहाँ से आई? मैं अपने एक क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, तो आप क्या उम्मीद करते हैं एक विधायक का, जब तक उस प्रदेश के मुखिया से, उसका जो कि मुख्यमंत्री है, अगर उनसे उसके ताल्लुकात नहीं होंगे, वो मुख्यमंत्री तक आप अपने क्षेत्र की बातों को पहुंचा नहीं पाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र का विकास हो पाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, मैं बिल्कुल ही एक शिष्टाचार मुलाकात के तहत गया था, उनको मैंने बधाई भी दी मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि मैं दे नहीं पाया था। साथ ही साथ मैंने उसी वक्त उनको अपने क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत भी कराया, उन्हें ये भी अवगत कराया कि आप ही के दल का प्रतिनिधित्व विगत 15 सालों से लगातार रहा, लेकिन मटिहानी फिर भी विकास से वंचित रहा, इस ओर देखने की आवश्यकता है, आपका सहयोग अपेक्षित है। तो यही मैंने उनसे आग्रह किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा हर तरीके से सहयोग मिलेगा क्षेत्र के विकास में। मैं इसी निमित्त गया था, इसका लोगों ने राजनीतिक महत्व निकाला, तो मैं उस पर कुछ कहूँगा। मतलब कोई भी विधायक महोदय हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के वो सत्ता में हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके विरोधी लोग हैं वो डर के मारे ऐसी खबर फैला रहे हों? देखिए, डर जा हो सकता है, डर लग गया हो उन्हें कि, लेकिन मेरा कोई, अब उनको डर लग गया तो ये तो उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा डराने का उनका कोई इरादा नहीं था, ना आज भी है। वो डर गए हों तो आप उनसे पूछिए, उनसे मेरा बिल्कुल ही एक शिष्टाचार मुलाकात था। इससे पहले अशोक चौधरी जी से भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी मित्रता बहुत पुरानी है, यूनिवर्सिटी के नाते भी मित्रता है, पहले से भी मित्रता थी। मैं मिला, उस दिन भी मिला एक पुस्तक के विमोचन में, तो उसका भी काफ़ी राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। तो ठीक है, मैं एक दल का एकमात्र विधायक हूँ, तो इस प्रकार का कयास लगाना थोड़ा लाजमी भी होता है, और आपके लिए वो एक न्यूज़ पॉइंट बनता भी है।
न्यूज पॉइंट जनता की सेवा के लिए हो तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि सिर्फ ऐसे न्यूज मिले जिससे जनता का भला हो। जैसे आपको सम्मान मिल रहा है सम्मान समारोह के पर, जनता दरबार जैसे सरकारी प्रयास यदि आपके माध्यम से चुकी, आप राजनीतिक में मुझे लगता है कि सक्रिय अब हुए हैं और ये पहुंच है जो जनता से सीधा संवादित करता है, ये लगभग क्या अंदाज करें कब तक शुरू हो मटिहानी में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से सोचता हूँ कि जनता दरबार लगाना इससे बेहतर है कि जनता के दरबार में विधायक का जाना। मैंने हमेशा से कहा कि दरबार जनता का लगे और वहाँ विधायक जाए, वो ज़्यादा कारगर होगा। जब आप समस्या के पास जाके उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे तो शायद और आप बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा अभी भी वही मानना है कि मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं सप्ताह में एक जगह अपने घर पे जनता दरबार लगा रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, मैं उनके अपने घर से समस्या सुन रहा हूँ। ठीक है, वो भी एक तरीका है, लोग आते हैं, यहाँ पर भी लोग आते हैं आ जाते हैं, मैं कोई दरबार नहीं लगाता हूँ यहाँ पे। मैं तो हमेशा उपस्थिति अपनी दर्ज कराना चाहता हूँ जनता के दरबार में, ताकि उनकी समस्याओं से फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस हो और मैं उसका निदान कर पाऊँ। सोच जो भी हो, मकसद ये है कि जनता से कनेक्ट होने के लिए, मुझे लगता है जिस प्रकार इनकी भावना है ये सदैव जनता से कनेक्टेड रहेंगे। इसी साधा के आशा के साथ मैं आपको भी छोड़ जाता हूँ, और जिनको भी लगता है कि ये दूर हैं तो दूर नहीं हैं, बेगूसराय में मिल जाते हैं और मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।